हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मयंक कैटल फूड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी कैटल फूड हो गया, एनिमल फूड हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एडिबल ऑयल जो होता है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे जो एडिबल ऑयल की अगर हम बात करेंगे एक तरीके से कॉमोडिटी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मार्जिन कंपनी के लिए नहीं रहेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनिमल फूड और कैटल फूड के भी ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है। उसकी वजह से अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे कमोडिटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो सिक्लिकल कंपनीज को जो लगभग 15-20 के लगभग का पी रेशियो मार्केट देने का जो मार्केट डेटा है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा पी रेशियो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके अलावा अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो राजकोट गुजरात के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे नजर आता है। और जहाँ पर अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे लगभग 87,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे टोटल एरिया कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और थोड़ी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह उनकी बढ़ी है तो उसके बारे में बात करिए। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो कौन कौन से एरिया में अभी कंपनी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है, तो देखिए अभी गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र ये तीन स्टेट के नाम अभी ये कंपनी अभी काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे लगभग 120 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कैपेक्स वगैरह कंपनी को करना है, यानी कि कुछ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को खरीदना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंस लगने वाले वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आई। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से भी अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो देखिए भरत कुमार पोपटलाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। फिर उसके अलावा अजय पोपटलाल जी, यानी कि पोपटलाल ग्रुप हमें यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर नजर आता है। यानी कि पोपटलाल जी इनका मेरे ख्याल से इनके फादर का नाम होगा और ये वच्छानी करके इनका संडे में, यानी कि वच्छानी ग्रुप हमें यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 186 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे हार्डली 71 लाख रुपीज के लगभग का कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर मैं 186 की अगर हम 1% की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 1.86 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी का होना चाहिए, लेकिन हार्डली 71 लाख रुपीज के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि इंडिकेशन है कि हार्डली 0.5% से भी कम मार्जिन पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 323 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली 79 लाख रुपीज के लगभग का ये नंबर हमें नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें डबल होता हुआ नजर आया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हार्डली हमें यहाँ पे 10% से बढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मार्जिन को सेक्रीफाइस करके कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2023 में लगभग 309 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 4-5% से रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, अभी 1.31 करोड़ रुपीज के लगभग ये नंबर आया है, जबकि पिछले साल अगर हम बात करेंगे हार्डली 79 लाख रुपीज के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो मार्जिन कंपनी का इंप्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ है और फिर भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मार्जिन हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी 4 महीने में लगभग 75 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 300 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आ सकता है। और ये एक और इंडिकेशन है कि ये यहाँ पे जो कंपनी है 300 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पे हमें जाती हुई नजर नहीं आ रही, यानी कि बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी अपने आप को स्केल नहीं कर पा रही है। और उसके अगर हम अभी अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 4 महीने में 57 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 31 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 108 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,30,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19,44,00,000 रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 8.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 2 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 2 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 5 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए भले ही 60 करोड़ का मार्केट कैप है लेकिन अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 2023 की अर्निंग के हिसाब से लगभग 45 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे इतना लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो ऐसे बिजनेसिस को मेरे ख्याल से 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं एक बार के लिए अगर ये साल में 20% का अर्निंग ग्रोथ भी अगर मैं मान के चलता हूँ तो फिर भी लगभग 35 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे लगता है कि भले छोटा आईपीओ है, भले छोटा मार्केट के वाला आईपीओ, लेकिन मेरे ख्याल से वैल्यूएशन फिर भी मुझे यहाँ पे कॉस्टली नजर आता है। कुछ ऐसा ही बिजनेस मॉडल में नहीं है, कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नजर नहीं आता, एक नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस मुझे यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे कंपनी 19 करोड़ रेज भी क्यों कर रही है तो उसका भी मुझे इंडिकेशन नहीं है। एक कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, लेकिन इसको कैसे रेवेन्यू ग्रोथ में कंपनी को फायदा होगा तो ये इंडिकेट करना भी मुश्किल मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रहा है। और अगर हम देखेंगे तो अगले हफ्ते बहुत ज्यादा ऐसे में आईपीओ हमें स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पब्लिक का जो जहाँ पर काफी ज्यादा प्रीमियम होगा वहाँ पे पब्लिक का पैसा में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये आईपीओ में ठंडा जाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि अगर कुछ मार्केट एकदम नॉर्मल अच्छा रहता है तो वहाँ पे 5-10% नीचे लिस्टिंग हो जाएगी या तो 5-10% नीचे हमें ये आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। बाकी मुझे कुछ एक्साइटिंग यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर नजर नहीं आता। मैं डेफिनेटली ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म माइंडेड से भी मैं इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। यानी कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त मैं आईपीओ देख रहा हूँ, उसके बाद में मैं आईपीओ को देखने भी नहीं वाला हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मयंक कैटल फूड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।